गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। सो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स की बात की थी, जहां पर 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए थे दो पार्ट्स के अंदर, दैट इज द T2G ऑर्बिटल एंड EG ऑर्बिटल्स के अंदर। क्लियर है आप लोगों को? T2G का मतलब मैंने आपको EEE डीजनरेट बताया था, EG का मतलब EEE डीजनरेट बताया था। T2G ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं? DXY, DYZ एंड DZX। ईजी ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? DX² Y² एंड DZ². यहाँ पर जहां पर इनकी एनर्जी जीरो होती है, उस सेंटर को हम बैरी सेंटर बोलते हैं। यहाँ इस बैरी सेंटर से इसकी एनर्जी कितनी कम हुई, दैट इज 0.4 डेल्टा ओ, इतनी कम हुई। यहाँ पर कितनी बढ़ी है इसकी एनर्जी, दैट इज 0.6 डेल्टा ओ। बढ़ी क्यों थी, ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बात की थी। अब जो डेल्टा ओ है, दैट इज द नोन एज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर आप लोगों को? सो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द कैलकुलेशन फॉर CFSE। हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, नेगेटिव 0.4x प्लस 0.6y डेल्टा ओ, मतलब कितना नीचे आया और कितना ऊपर गया, दोनों का सम कर दो, टोटल डेल्टा ओ की वैल्यू आ जाएगी हम लोगों के पास। ओके, सो आप लोग देखोगे कि यहां पर जो एक्स और वाई है, दीज एक्स एंड वाईज आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G एंड EG ऑर्बिटल रेस्पेक्टिव। क्लियर आप लोगों को? समझ गए आप लोगों की बात? तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, मैं एक टेबल बना रहा हूं आप लोगों के लिए। अगर मान लो कहीं D1 सिस्टम है, मतलब D के अंदर ओनली एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद अब D1 सिस्टम है तो वहां पर आप लोगों के पास दो चांसेस होते हैं, देखना जरा। एक तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, या पहले मैं लो स्पिन बना देता हूं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, और दूसरा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। क्लियर आप लोगों को? एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और एक क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्लियर आप लोगों को? और यहां पर मैं इस लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, और यहां पर इस हाई स्पिन की CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो समझना है चीजों को, समझते हुए आगे चलना है, आप लोगों को मजा आएगा। क्लियर आप लोगों को? तो D1 सिस्टम की हम लोग बात करेंगे। अब जब भी आप इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरोगे, तो इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए वही तीन रूल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए होते हैं। कौन कौन से? दैट इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ओके, उसके बाद अहोबाउ प्रिंसिपल, एंड थर्ड वन इज द होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मींस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अलग होगी। दूसरा हम लोगों ने बात की अहोबाउ प्रिंसिपल, कि हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी लेवल्स, कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स आएगा, उसके बाद जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्लियर आप लोगों को? तीसरा होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले जितने भी ऑर्बिटल जो डीजनरेट लेवल के हैं उनके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होंगे, आफ्टर देन पेयरिंग विल बी स्टार्ट। क्लियर आप लोगों को? सो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन D1 सिस्टम की बात करूं तो कहां पर जाएगा बेटा? यहां पर जाएगा, लोअर एनर्जी में जाएगा। मैंने बताया था ना अहोबाउ प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा, लोअर एनर्जी में, आफ्टर देन हायर एनर्जी में। तो D1 सिस्टम के अंदर बेटा T2 के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बोलिए, D1 सिस्टम के अंदर T2G के अंदर कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अरे बोलो, अब हाई स्पिन तो होगा ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे भरा हुआ है, हाई स्पिन का क्या मतलब होगा, तो यहां पर हाई स्पिन की बात नहीं करेंगे। D2 सिस्टम दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा सर, सिंगली फिल्ड हो गया अकॉर्डिंग टू होम्स रूल्स, तो क्या लिखेंगे, अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का फिलअप होगा, यहां पर फिलअप होगा। अरे बोलिए, अब देखिए D4 सिस्टम किसके लिए, D4 सिस्टम के लिए। तो D4 सिस्टम की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये जो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर भी जा सकता है। क्लियर है? अगर यहां पर गया तो क्या होगी, हाई स्पिन, ऊपर चला गया स्पिन, उसकी क्या होगी, हाइट पे चले गए तो हाई स्पिन, और ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर पेयरिंग भी स्टार्ट कर सकता है, दोनों चांसेस है यहां पर। क्लियर है? अगर पेयरिंग करता है नीचे तो उसको बोला जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और अगर पेयरिंग नहीं करता ऊपर चला जाता तो उसको बोला जाएगा हाई स्पिन। क्लियर है? तो चलो पहले लो स्पिन की बात कर रहे थे, तो T2G कितना हो गया 4, D5 सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, T2G
फाइव, डी सिक्स सिस्टम की बात करें तो बेटा टी टू जी सिक्स, मतलब पांचवा और छठा इलेक्ट्रॉन यहीं पर चला गया। क्लियर आप लोगों को, सब लो स्पिन के अंदर हो रहा है, क्लियर है। अब बात करते हैं हाई स्पिन की, तो हाई स्पिन में टी टू जी थ्री तक तो यही रहेगा। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था कहां जा सकता है, ऊपर, अरे बोलिए कहां जाएगा, ऊपर। तो अब क्या बन जाएगा टी टू जी थ्री और ईजी के अंदर कितना गया, एक। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा, यहां पर। नेक्स्ट टी टू जी थ्री और ईजी कितना, टू। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, यहां लिख दिया मैंने, सॉरी इसको इधर लिखना पड़ेगा, हाई स्पीड के अंदर ईजी वन एंड टी टू जी थ्री ईजी टू। क्लियर आप लोगों को, समझ में आई आप लोगों को ये बात, अरे बोली समझ में आया यहां तक मैंने क्यों लिखा सिक्स। अगर डी सिक्स सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो अब सिक्स इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। बोलिए टी टू जी कितना हो गया, फोर, और ईजी कितना हो गया, टू। अरे बताइए भाई यही तो होगा, ये खाली रहेंगे यहां पर, तो हम लो स्पिन और हाई स्पिन की बात ही नहीं कर सकते तीन इलेक्ट्रॉन तक। तो चलो भाई अब डी सिक्स सिस्टम तक इनकी एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेटा कितना था, एक इलेक्ट्रॉन था, एक्स की वैल्यू नीचे वाले में था, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वन और माइनस जीरो पॉइंट फोर, ये तो जीरो था, डेल्टा ओ, अरे बोलो इसके लिए कितनी हो जाएगी, माइनस जीरो पॉइंट एट डेल्टा ओ, इसके लिए कितनी हो जाएगी, माइनस वन पॉइंट टू डेल्टा ओ। क्लियर है भाई, देखो ना माइनस जीरो पॉइंट फोर इंटू में डी थ्री के लिख लिख रहा हूं, तो तीन वैल्यू प्लस जीरो पॉइंट सिक्स वाई, वाई इजी में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इजी में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जीरो, तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, तो ये आलू कितना बचेगा, माइनस वन पॉइंट टू डेल्टा ओ। अरे बोलिए डी फोर सिस्टम के लिए कितना हो जाएगा बेटा, बोलिए शाबाश, 1.6 डेल्टा ओ। डी फाइव सिस्टम के लिए 2.0 डेल्टा ओ। डी सिक्स सिस्टम के लिए बताइए बेटा कितना हो जाएगा, माइनस 2.4 डेल्टा। क्लियर आप लोगों को, मेरी बात समझ में आई होगी, क्लियर है। चलो भाई अब इनकी एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए बेटा इनकी एनर्जी टी टू जी थ्री और एजी वन, तो कितना बचेगा, टी टू जी थ्री मतलब माइनस 1.2 प्लस 0.6 डेल्टा ओ, तो कितना बचेगा बताइए, कितना बचेगा यहां पर, माइनस का 0.6 या प्लस का 0.6, माइनस का 0.6 डेल्टा ओ, ये एनर्जी आएगी हाई स्पिन के अंदर। क्लियर आप लोगों को, नेक्स्ट है इसके लिए कितना आएगा बेटा बताइए, माइनस 1.2 प्लस 1.2, अरे बोलो कितना आएगा, यही आएगा, तो टोटल कितनी हो जाएगी, जीरो। अरे इसके लिए एनर्जी कितनी है, 85 सिस्टम के लिए हाई स्पिन के केस में जीरो। नेक्स्ट डी सिस्टम के लिए बात करें तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा बताइए, नेगेटिव 1.6 प्लस 1.2, अरे बोलिए तो कितनी आ जाएगी बेटा बताओ, 0.4 नेगेटिव की 4 डेल्टा, दैट इज द एनर्जी फॉर द डी सिक्स सिस्टम। क्लियर आप लोगों को, चलो डी सेवन डी एट और डी नाइन डी टेन की बात कर लेते हैं अभी आप लोगों के साथ। आप उतार लीजिए साथ के साथ। नेक्स्ट है डी सेवन सिस्टम, डी एट, डी नाइन एंड डी टेन। अब लो स्पिन की बात कर रहे हैं तो छह इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर भरे गए थे, देखिए लो स्पिन में टी टू जी सिक्स, मतलब इसमें कितने भरे गए थे, छह, सात, साल डी सेवन, डी एट, डी नाइन और डी टेन, ऐसे भरा जाएगा। बोलिए लो स्पिन के लिए, सर टी टू जी तो सिक्स हो गए थे, फिर इजी में वन, टी टू जी सिक्स फिर इजी में टू, टी टू जी सिक्स फिर इजी में थ्री, और टी टू जी सिक्स और फिर इजी में फोर, यही तो होगा। बोलिए बेटा, अरे बोलिए यही होगा आंसर। चलो देखते हैं अभी की एनर्जी निकाल लेते हैं, एनर्जी कैसे निकालेंगे बेटा बताइए, ये कितना आएगा, नेगेटिव 2.4 प्लस 0.6 कितना बचा, माइनस 1.8 डेल्टा ओ। नेक्स्ट कितना है बेटा, माइनस 2.4 प्लस 1.2 कितना बचा, माइनस का 1.2 डेल्टा ओ। क्लियर आप लोगों को, नेक्स्ट इसके लिए कितना बचा, माइनस का 2.4 प्लस कितना 1.8 कितना बचा, 0.6, और इसके लिए बेटा कितनी वैल्यू हो जाएगी, बोलिए जीरो, कितनी वैल्यू हो जाएगी, जीरो। समझ में आई आप लोगों को बात, अरे समझ में आई, क्लियर आप लोगों को, मेरी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट ये था लो स्पिन के लिए, अब हाई स्पिन के लिए आप लोगों ने क्या देखा था जरा बताइए, हाई स्पिन के लिए इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप करोगे, देखते हैं बेटा कैसे फिलअप करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और दसवां, ऐसे करें हाई स्पिन के लिए। मींस पहले कहां जाएंगे सिंगलली फिल्ड, ये होंगे सिंगलली फिल्ड होने के बाद यहां पर पेयरिंग ना होकर हाई स्पिन के केस में कहां जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे और ऊपर फिर जब सिंगलली फिल्ड हो जाएंगे तो फिर पेयरिंग नीचे से स्टार्ट होगी। समझ में आ गया आप लोगों को? तो देखिए बेटा D6 सिस्टम तक तो ये हो गया, नेक्स्ट T2G5 Eg2 T2G6 Eg2 T2G6 Eg3 and T2G6 Eg4। ये बेटा हमारी हाई स्पिन के केस में क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। पहला इलेक्ट्रॉन 6 आपको पता, देखो मैंने D1 D2 D3 के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, D4 के लिए इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा Eg में बन गया, D5 के लिए Eg2, D6 के लिए यहां पर पेयरिंग स्टार्ट हो गई, तो Eg2 T2G4 यहां पर T2G5 नेक्स्ट T2G6, अब Eg2 ही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां पर फिलअप हो रहे हैं, उसके बाद अब पेयरिंग यहां पर स्टार्ट होगी तो यहां पर Eg3 एंड Eg4। एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे आप लोग बेटा, बताओ कितनी आएगी, -2.0 और इसकी +1.2 तो ये कितना हो जाएगा -0.8 डेल्टा O, -0.8 डेल्टा O। इसकी एनर्जी यहां पर कितनी आएगी जरा देखिए बेटा, -2.4 + 1.2 तो कितना आ जाएगा बेटा बताइए, -1.2 डेल्टा O। अरे क्लियर है इसकी बेटा, यहां पर कितनी है बताइए, -2.4 + यहां पर कितना हो जाएगा 1.8, कितना बचेगा 0.6, और यहां पर इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा 0। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से आप लोग CFSC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? अभी आप लोगों के सामने मैंने CFSC की वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाया आप लोगों को। नाउ आगे अगर आप लोगों को, अच्छा दूसरी बात, CFSC की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, CFSC की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड कहलाएगा, और CFSC की वैल्यू जितनी कम होगी वो क्या कहलाएगा बेटा, वीक फील्ड लीजेंड। कौन सा लीजेंड कहलाएगा बेटा बोलिए, वीक फील्ड लीजेंड कहलाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? यहां तक की बात सभी को क्लियर है? समझ में आ गया, चलते हैं आगे की तरफ, जरा देखिए। सो बेटा अब कब आप लोगों का कंपाउंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और कब आप लोगों का लो स्पिन बनेगा, आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है, कौन सा बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है, तो आपका कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा बताइए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि सर डेल्टा ओ मतलब CFSC की वैल्यू यहां पर क्या है, ज्यादा है। समझ में आ गया आप लोगों को बात? अगर आपका वीक फील्ड लीजेंड है तो बेटा क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। मीन्स डेल्टा ओ की वैल्यू यहां पर क्या होगी बेटा, कम होगी। समझ में आ गया आप लोगों को? क्योंकि डेल्टा ओ की वैल्यू कम है तभी तो यहां पर वीक फील्ड लीजेंड है। आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हो हाई स्पिन और लो स्पिन का। या एक होता बेटा इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करवाने के लिए एक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी कौन सी एनर्जी कहलाएगी बेटा, पेयरिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहलाएगी बेटा, पेयरिंग एनर्जी। समझ में आ गया आप लोगों को बात, कौन सी एनर्जी कहलाएगी, पेयरिंग एनर्जी। अगर डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, पी से, तो मतलब आप लोगों के पास क्या बनेगा, डेल्टा ओ की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, क्या बनेगा डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा क्या बनेगा, वो भी बताया था, लो स्पिन। और अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है तो बेटा आपका बनेगा हाई स्पिन। क्या बनेगा बेटा, हाई स्पिन। मतलब डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और डेल्टा ओ की वैल्यू अगर कम होती है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आप लोग इस प्रकार से भी बता सकते हो कि अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है तो क्या होगा और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है तो क्या होगा। पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है तो लो स्पिन, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है तो हाई स्पिन। एक एग्जांपल के जरिए हम लोग समझते हैं चीजों को और फिर हम लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा कि CFT क्या है, जरा देखिए उसको। क्लियर आप लोगों को? जरा देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, Fe(CN6)-3 and Fe(Cl6)-3। क्लियर आप लोगों को? तो यहां पर जो CN है वो क्या एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है, अरे बोलिए, और Cl क्या है बेटा, एक
वीक फील्ड लीजेंड है। अरे बोलिए मेरे भाइयों, वीक फील्ड लीजेंड है, समझ में आया आप लोगों को? चलो देख, आप लोग इन दोनों को देख सकते हो अपनी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने लिखवाई है, जो आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में, उसके अंदर देख सकते हो कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। क्लियर आप लोगों को? चलो भाई, अभी यहां पर आयरन का क्या होता है? आयरन का एटॉमिक नंबर बेटा 3d6 4s2 आर्गन, और यही होता है। अरे बोलिए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बेटा, देखना जरा। x -6 = -3 x = +3। अरे यही आया, तो तीन इलेक्ट्रॉन निकालो, दो यहां से एक यहां से, आयरन दैट इज 3d5। अब इसके कौन सा सिस्टम हो गया? d5, मतलब d5 सिस्टम हो गया। ये वाला भी यही रहेगा, d5 सिस्टम ही रहेगा। अरे बोलिए, ये भी क्या रहेगा? d5 सिस्टम। लेकिन अगर मैं इस केस की बात करता हूं तो मेरे पास ईजी ऑर्बिटल्स और ये T2g ऑर्बिटल्स, तो इनके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरूंगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है तो लो स्पिन बनेगा। लो स्पिन मतलब 1, 2, 3, 4 और 5 ये रहेंगे। क्लियर आप लोगों को? लेकिन यहां पर Cl एक वीक फील्ड लीजेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप होंगे? देखिए बेटा, ये मेरे पास T2g ऑर्बिटल्स है और ये मेरे पास ईजी ऑर्बिटल्स है, तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 हाई स्पिन में, मतलब पहले सिंगल ये पेयर अप होके कहां जाएंगे? ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर आप लोगों को? तो इसकी एनर्जी निकालो, इसकी एनर्जी कितनी आएगी? -0.4 × 5 कितना है? -2.0 डेल्टा। अरे बोलिए, यहां पर इसकी बात करें तो कितनी आएगी? -1.2 डेल्टा प्लस कितना हो जाएगा? 1.2, तो कितना आ जाएगी इसकी एनर्जी? जीरो। कितनी एनर्जी आ जाएगी बेटा इसकी? जीरो। तो देखो, आप लोगों के सिर्फ कंपाउंड सेम था, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम थी, सिर्फ लीजेंड का डिफरेंस था, और लीजेंड का डिफरेंस होने की वजह से इनकी एनर्जी में डिफरेंस आ गया। तो ये सारी बात डिपेंड करती है टाइप ऑफ लीजेंड, किस प्रकार का लीजेंड है, इनकी सीएफएससी की वैल्यू क्या है। तो जिनकी सीएफएससी की वैल्यू ज्यादा थी, अब यहां पर वैल्यू ज्यादा है 2.0, माइनस साइन तो ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, साइन की बात नहीं करेंगे। तो एनर्जी यहां पर ज्यादा है, एनर्जी यहां पर ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है। एनर्जी यहां पर कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वीक फील्ड लीजेंड है। तो आप किसी प्रकार से भी बात कर सकते हो। क्लियर आप लोगों को? एग्जाम्पल्स आप लोगों को और भी करने हैं, मैं आप लोगों के सामने एग्जाम्पल्स दूंगा। क्लियर आप लोगों को? सो आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स करने हैं। नेक्स्ट है बेटा, इसी टॉपिक से रिलेटेड बातें करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट बात करते बेटा हम लोग इसकी मैग्नेटिज्म की। किसकी बात करें बेटा? मैग्नेटिज्म। किसकी? मैग्नेटिज्म। देखिए, मैग्नेटिज्म में आप लोगों को पता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स, ये मेरे पास ईजी ऑर्बिटल्स हैं और ये बेटा मेरे पास T2g ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर है आप लोगों को पता है ये सब बात? क्लियर। अगर इन ऑर्बिटल्स के अंदर कहीं पर भी आप लोगों को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक नेचर का कहलाएगा। कौन से नेचर का कहलाएगा बेटा? पैरामैग्नेटिक। और उसका कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट मैं आप लोगों को सिखाना बता चुका हूं क्या होगा, √n(n+2) बोहर मैग्नेट। क्लियर है बेटा? आप लोग जब हायर क्लासेस के अंदर जाओगे तो मैग्नेटिक मोमेंट भी दो प्रकार का होता है, एक स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एक स्पिन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मींस एक स्पिन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जो प्रोड्यूस होता है, दूसरा जिस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है, और तीसरा बेटा स्पिन और ऑर्बिटल्स को अगर हम लोग कंबाइन कर देते हैं, वो पढ़ा होगा बेटा आप लोगों ने, शायद नहीं पढ़ा होगा, हायर क्लासेस के अंदर है, s × s+1 दैट इज द स्पिन ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। दूसरा है l × l+1 दैट इज द, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूं तो इसको बेटा बोलते हैं ls कपलिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ls कपलिंग। और इन दोनों की मिक्स की होने की वजह से जब प्रोड्यूस होता है जो मैग्नेटिक मोमेंट, वो कहलाता है बेटा स्पिन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट बेटा। इसको हम लोग S से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग L से। अब L और S की जब कपलिंग होती है तो कौन सा बनता है? स्पिन ऑर्बिटल। और बेटा इसको हम लोग J से करेंगे डिस्कस, तो हम बाद में पढ़ेंगे या हायर क्लासेस के अंदर देखेंगे स्पिन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ये सब बातें हम लोग वहां पर देखने वाले हैं। क्लियर आप लोगों को? नेक्स्ट है
ये अभी आप लोगों के पास ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, क्लियर? आप लोगों को बोहर मैग्नेटन इसकी यूनिट है, एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा, अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में है इन ऑर्बिटल्स के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? डायमैग्नेटिक नेचर का कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? डायमैग्नेटिक नेचर का। समझ में आ गया आप लोगों को? और डायमैग्नेटिक है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट बेटा क्या होगा? जीरो। क्या होगा बेटा बोलिए? उसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा, क्लियर है? अब बात आती है कि सर ये डायमैग्नेटिक क्या होते हैं और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं बेटा। अगर मान लो मैं इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करता हूं, समझ में आ गया आप लोगों को? बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करने पर अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, समझ में आ गया आप लोगों को, तो ये कहलाएंगे बेटा पैरामैग्नेटिक। क्या कहलाएंगे? पैरामैग्नेटिक। समझ में आ गया आप लोगों को? लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, क्या करते हैं बेटा बोलिए? रिपेल करते हैं। रिपेल करते हैं तो ये क्या कहलाएगा बेटा बताइए बोलिए? कौन सा कहलाएगा? डाया मैग्नेटिक। क्लियर आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? देखिए बेटा मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि ओनली पेयर्ड होना अनपेयर्ड होना किसी भी कंपाउंड के मैग्नेटिक मोमेंट को कंप्लीटली नहीं परफॉर्म करता है। मींस हम लोग सिर्फ यहां पर जो बात करने जा रहे हैं कि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, हम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं, क्लियर है? लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट जो डिपेंड करता है वो उसके ऑर्बिटल मोशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, और ऑर्बिटल मोशन के ऊपर डिपेंड करने के बाद जब स्पिन का मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल मोशन मैग्नेटिक मोमेंट को देखते हैं तो जो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर है? लेकिन अभी हम ओनली किसकी बात करेंगे? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की, जिसको हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ये हम लोगों ने अपनी बातें पढ़ी है, सभी सभी को समझ में आया मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर्स के बारे में? बहुत डिटेल स्टडी हम लोग आप लोगों को, अगर स्पेशल कभी क्लास लेंगे तो पूरा लेक्चर होता है एक मैग्नेटिज्म के ऊपर ना, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कभी अच्छे से ढंग की क्लास लेंगे तो, ठीक है? So, अभी आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही मायने रखता है कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अनपेयर्ड होगा तो क्या होगा, पेयर्ड होगा तो क्या होगा, क्लियर है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा हम लोग कलर की, कि व्हाई द कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड शोज कलर, कि वो कलर क्यों शो करते हैं, क्लियर आप लोगों को? जरा देखिए, सो नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करने वाले हैं कलर से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, ठीक है बेटा? मेरे पास एक कंपाउंड है That is the TiH2O6 3+, क्लियर है बेटा आप लोगों को? ये कंपाउंड हम लोगों को पर्पल कलर का दिखाई देता है, पर्पल कलर का दिखाई देता है हम लोगों को, क्लियर? आप लोगों को कैसे दिखाई देता है बेटा? पर्पल कलर का। तो देखिए बात करते हैं क्यों दिखाई देता है। तो अपने पास है Ti का बेटा आर्गन 3d2 4s2, तीन इलेक्ट्रॉन्स निकाल दी थी, कितना बचा? आर्गन 3d1, डी के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास? एक इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द इजी ऑर्बिटल्स, और ये कौन से ऑर्बिटल्स है बेटा? p2g ऑर्बिटल्स, क्लियर आप लोगों को? समझ में आई आप लोगों को बात? चलो भाई बहुत अच्छी बात, अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आई है तो। नेक्स्ट, अब क्या होता है जैसे ही आप इसके ऊपर सनलाइट डालते या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट इसके ऊपर लाइट आती है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से लाइट को एब्जॉर्ब करके अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, क्लियर आप लोगों को? तो ये डिपेंड करता है कि कौन से कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, मतलब हर कलर की अलग अलग एनर्जी होती है। तो मेनली अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो ये ब्लू और ग्रीन, कौन सी है बेटा? सॉरी, ग्रीन एंड येलो कलर की लाइट को, या ग्रीन एंड येलो कलर की वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है बेटा? एब्जॉर्ब करता है, क्लियर आप लोगों को? ग्रीन और येलो कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि आपको पता है इसकी एनर्जी अलग है, इनकी एनर्जी अलग है, तो इलेक्ट्रॉन्स को यहां तक जाने में भी अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, अरे मानते हो आप लोगों को? समझ में आया? तो जब ये यहां से यहां तक जाएगा तो परफेक्ट अमाउंट की एनर्जी को लेकर ही तो यहां तक जाएगा, तो ये कौन से कलर की लाइट को अब्जॉर्ब करता है? ग्रीन और येलो कलर की लाइट को अब्जॉर्ब करता है। और अब ये अब्जॉर्ब करके कहां चला गया बेटा? अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया, यहां चला गया। लेकिन आप लोगों को पता है कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, उसका वहां पर लाइफ टाइम बहुत कम होता है,
तो वो वापिस कहां पर आएगा बेटा, अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो जब ये वापिस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो एनर्जी ने अब्सॉर्ब की थी उसको बाहर क्या करेगा, रिलीज करेगा। और वो जो बाहर एनर्जी रिलीज करेगा वो किसकी फॉर्म में करेगा, रेडिएशंस की फॉर्म में करेगा। क्लियर है? तो जो यहां से रेडिएशंस निकलेंगी उन रेडिएशंस की कोई ना कोई वेवलेंथ और कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। तो वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन के अंदर जिस कलर के अंदर आती है हम लोगों को वही कलर शो होगा। क्लियर आप लोगों को? तो यहां पर हम लोगों को अगर मैं बात करूं तो पर्पल कलर शो करता है। कौन सा कलर शो करता है? पर्पल। अब पर्पल कलर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये बोलता है, सीएफटी बोलती है कि जो कलर इसने अब्जॉर्ब किए हैं उन कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम लोगों को दिखाई देगा। समझ में आ गया आप लोगों को बात? समझ में आ गया? जैसे आप लोगों को मैं बात करूं तो अगर मेरे पास कोई है वो रेड कलर की लाइट को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो अगर वो बाहर निकालेगा तो ब्लू कलर की लाइट को बाहर निकालेगा, ट्रांसमिटेड करेगा। मतलब रेड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होगा? ब्लू कलर कहलाएगा। समझ में आया आप लोगों को? तो जिस रीजन के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो उनकी रेडिएशन की है उसी कलर का विजिबल रीजन के अंदर हमें कलर दिखाई देगा और उस कलर को हम लोग कहेंगे कि ये कलर जो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। किन कलर का? जो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किए थे, जिन कलर की वेवलेंथ को इसने एब्जॉर्ब किया था, फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब किया था। समझ में आई आप लोगों को? क्लियर आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ गई? तो अब यहां ये d ऑर्बिटल था, ये भी क्या था, ये d से कहां पर गया है? d के अंदर गया है। अरे बोलो, d से ही वापस किसके अंदर आया है? d के अंदर आया है। तो बेटा इसको बोलते हैं dd ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसको? dd ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसको? बोलिए बेटा, dd ट्रांजिशन। समझ में आ गई? तो dd ट्रांजिशन की वजह से ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं बेटा? कलर शो करते, कलर शो। समझ में आ गया आप लोगों को बात? क्लियर है? एक एग्जांपल देता हूं बेटा आप लोगों को, दैट इज द MnO4 टू नेगेटिव। क्लियर आप लोगों को? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हम लोगों को बेटा यहां पर जो होता है वॉयलेट कलर का दिखाई देता है। समझ में आ गया? लेकिन अगर जब आप लोग देखोगे तो इसके डी के अंदर कोई ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। ये मैं क्वेश्चन देता हूं, व्हाई दे शो कलर, इसकी शो करना था, ठीक है? ये MnO42 नेगेटिव कलर क्यों शो करता है, इसके पीछे रीजन बताना है क्या? अगर d के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो dd ट्रांजिशन की वजह से सर कलर पॉसिबल करेगा, लेकिन इसके d ऑर्बिटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है फिर भी ये कलर शो करता है, क्यों? आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्लियर आप लोगों को समझ में आई बात है? चलो भाई ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। तो ये बात हुई कि किस प्रकार से कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कलर शो क्यों करता है। तो कलर शो करने का मेन रीजन हमारा क्या होगा सर? dd ट्रांजिशन की वजह से कोई भी कंपाउंड हमारा क्या करता है? कलर शो करता है। समझ में आ गया आप लोगों को बात? तो ये बेटा आप लोगों ने ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पूरा डिस्कस किया, जिसने मैग्नेटिज्म के बारे में बताया, कलर के बारे में भी बताया, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताया, हाई स्पिन के बारे में बताया, लो स्पिन के बारे में बताया, कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, कौन वीक फील्ड लीजेंट्स होते हैं, सब बातें हम लोगों को बताई। क्लियर है? नाउ हम डिस्कस करते हैं बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जरा देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। सो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड्स के अंदर हम लोग किस प्रकार से सीएफटी की बात करेंगे। जरा देखिए, मान लो बेटा मेरे पास एक सेंट्रल मेटल है और इस मेटल के साथ चार लीजेंड अटैच है इन द टेट्राहेड्रल मैनर। क्लियर आप लोगों को? टेट्राहेड्रली मैनर के अंदर वो अरेंज है। ये मैंने अपने बेटा एक्सिस मानी है, एक्स एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। सो नाउ व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि द लीजेंड्स जो लीजेंड्स है वो किधर आ रहे बेटा? मेटल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, आ रहे मेटल की तरफ। लेकिन ये जो मेटल की तरफ लीजेंड अप्रोच कर रहे हैं ये कहां से आ रहे बेटा? बिटवीन द एक्सिस के बीच में से। मतलब दोनों देखो, एक्स और वाई के बीच से लीजेंड आ रहा है, यहां पर वाई और जेड के बीच से लीजेंड आ रहा है, यहां पर एक्स और जेड के बीच से लीजेंड्स आ रहे हैं। क्लियर आप लोगों को? तो लीजेंड जो अप्रोच कर रहे हैं वो किस मैनर में कर रहे हैं? मैनर बेटा बताइए, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? एक्सिस के बीच के अंदर से कर रहे हैं। आप लोग समझ में आ रहे हो? एक्सिस के बीच के अंदर से जा रहे हैं मेटल की तरफ लीजेंड्स। क्लियर है? अब आपको पता है लीजेंड्स के ऊपर लोन पेयर है, लीजेंड के पास क्या है? लोन पेयर है। और मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल्स के अंदर भी कौन भरा पड़ा होगा बेटा बताइए? इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े होंगे। अरे मानते हो, इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े होंगे मेटल के ऑर्बिटल्स के अंदर। और यहां पर लीजेंड्स के पास भी क्या है? लोन पेयर। तो जब भी लीजेंड इनकी तरफ अप्रोच करेगा तो इनके बीच में क्या होगा? अरे बोलिए, रिपल्सन होगा। इनके बीच में क्या होगा?
रिपल्सन होगा ना। अब रिपल्सन आपको पता है कैसे होगा, अपने पास तीन ऑर्बिटल्स होते हैं dxy, dyz, dzx, जहां पर लोब्स भी, ऑर्बिटल्स की जो लोब्स हैं वो भी बिटवीन द एक्सिस होती हैं। तो आप लोगों को इस बात का कंप्लीटली आइडिया हो गया होगा कि जो ये तीन ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच में, क्योंकि ये भी इन बिटवीन द एक्सिस हैं, लीजेंड्स भी बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, यहां पर मैक्सिमम रिपल्सन होगा, है ना, मैक्सिमम रिपल्सन होगा, तो इनकी एनर्जी यहां पर क्या होगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं dx square, y square and dz square की, वो कहां पर होते हैं बेटा, अलोंग द एक्सिस होते हैं, तो वहां पर क्या होगा, चांसेस कम होंगे, तो ज्यादा रिपल्सन के चांसेस किसमें होंगे, इन तीन ऑर्बिटल्स के अंदर होंगे। तो देखिए मेरे भाइयों कि अगर मान लो मेरे पास ये पांच डीजनरेट ऑर्बिटल्स थे जिनकी एनर्जी क्या थी, सेम थी, कौन है बेटा, ये फाइव डीजनरेट ऑर्बिटल्स, कौन कौन से होते हैं बताओ, dxy, dyz, dzx, dx square, y square and dz square, पांच ऑर्बिटल्स हैं। अब पांच ऑर्बिटल्स जब लीजेंड अप्रोच करेंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, अरे बोलो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो बेटा ये पांच ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, लेकिन अभी भी ये डीजनरेट नेचर के हैं, अभी भी डीजनरेट नेचर के हैं, क्लियर आप लोगों को, अभी भी किसके बेटा ये डीजनरेट नेचर के हैं, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अब जब लीजेंड बिल्कुल और पास इसके नजदीक आ रहे हैं तो ये क्या होगा बेटा, आपको पता है स्प्लिट हो जाएगा एनर्जी के अंदर, जहां पर वो ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी में चले जाएंगे जो मैक्सिमम रिपल्सन देखते हैं, सामना करते हैं, और वो चले जाएंगे नीचे जो अलोंग द एक्सिस है। तो ये बिटवीन द एक्सिस थे, लीजेंड भी बिटवीन द एक्सिस था, तो इनके बीच में मैक्सिमम रिपल्सन होगा। तो कौन कौन से होंगे बेटा ये बताओ, जो हायर एनर्जी में जाएंगे dxy, dyz और dzx, और नीचे कौन रहेंगे dx square, y square and dz square, अरे बोलिए यही रहेंगे, आप लोग देख रहे हो इन चीजों को, अरे बोलिए, तो यही रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि e orbitals, अब इनको बेटा g नहीं बोलूंगा, e orbitals, और इनको बोलूंगा t2 orbitals, tetrahedral के केस में बेटा हम लोग g नहीं लगाते, जैसे octahedral के केस में t2g लगाते थे और eg लगाते थे, क्लियर आप लोगों को, इसको बोलूंगा e ऑर्बिटल्स और इनको कौन से ऑर्बिटल्स बोलूंगा t2 ऑर्बिटल्स। भाई ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या था, e eg ऊपर थे और t2g कहां थे, नीचे थे, लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में क्या हो गया, उल्टा हो गया, क्योंकि लीजेंड्स अब कहां पर आ रहे हैं, बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। तो क्या हुआ, अब यहां पर आप लोगों ने देखा e ऑर्बिटल्स और ये t2 ऑर्बिटल्स, क्लियर आप लोगों को, समझ में आ गया। अब मैंने इनके साथ g क्यों नहीं लगाया, तो बेटा देखो एक सिमेट्री होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, तो जिन कंपाउंड्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है बेटा, उन कंपाउंड्स में हम लोग जी रेड यूज करते हैं, जी रेड, जी का मतलब होता है जी रेड, क्लियर आप लोगों को, जी रेड या अनजी रेड वर्ड का यूज करते हैं हम लोग। लेकिन यहां पर टेट्राहेड्रल केस के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, इस वजह से हम लोग इनके साथ जी यूज नहीं करते, जी रेड का यूज नहीं करते, तो ओनली ई ऑर्बिटल्स और टी टू ऑर्बिटल्स निकलते। समझ में आ गया आप लोगों को बात, क्लियर है यहां तक की मेरी बात, समझ में आ गई पक्का 100%। चलो एक बार अच्छे से ड्रा कर लेते हैं, फिर चीजें आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगी। जरा देखिए, तो जरा देखिए मेरे भाइयों, ये मेरे पास क्या थे, फाइव डीजनरेट ऑर्बिटल्स थे फाइव, इनकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ी क्योंकि लीजेंड अप्रोच कर रहे थे, रिपल्सन के चांसेस बढ़ गए, ये भी डीजनरेट रहेंगे। आफ्टर देन दे स्प्लिट, और स्प्लिट किसमें हो गए, टी टू ऑर्बिटल्स ऊपर चले गए और ई ऑर्बिटल्स नीचे आ गए। ई ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे, डीएक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डीजेड स्क्वायर, ये कौन सा होगा बेटा बताइए, अरे ये बोलिए कौन से होंगे, दैट इज द डीएक्स वाई, डी वाई जेड एंड डीजेड एक्स, अरे यही रहेंगे, क्लियर आप लोगों को। ये इसका क्या कहलाएगा बेटा, बैरी सेंटर, अरे क्या कहलाएगा, बैरी सेंटर कहलाएगा, अरे बोलिए क्या कहलाएगा इसका, बैरी सेंटर। ये यहां से कितना लोअर एनर्जी पे गया, दैट इज द -0.6 डेल्टा टी, टेट्राहेड्रल के लिए टी लिखेंगे, ये यहां से कितना ऊपर गया, दैट इज +0.4 डेल्टा टी। तो टोटल जो एनर्जी होगी, दैट इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज डेल्टा टी लिखूंगा ओवरऑल, क्लियर आप लोग। तो आप इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये 5 डीजनरेट एनर्जी कैसे करोगे, -0.6x +0.4y ओवरऑल डेल्टा टी, क्लियर आप लोग। x ईजी के ऑर्बिटल्स हैं,
वाई टी सॉरी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ईजी के इलेक्ट्रॉन है और ये किसके इलेक्ट्रॉन है बेटा टी टू जी के इलेक्ट्रॉन। ये बिल्कुल सिमिलरली उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आप लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर देख के आए थे सीएफएससी की वैल्यू को कैलकुलेट करना। क्लियर आप लोगों को? सो अगर आप लोगों को ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की सीएफएससी वैल्यू के बीच में कोई रिलेशन देखना है तो रिलेशन बेटा मैं आप लोगों को बता देता हूं। डेल्टा टी जो टेट्राहेड्रल के केस की जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द नियरली इक्वल टू द 4/9 डेल्टा ओ के बराबर होती है। मींस अगर डेल्टा टी की वैल्यू आपको पता है तो आप डेल्टा ओ के केस के लिए वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा आप लोगों को अगर डेल्टा ओ की वैल्यू पता है तो आप लोग डेल्टा टी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर आप लोगों को? तो इस रिलेशन को आप लोगों को अच्छे ढंग से ध्यान से देखना है। क्लियर आप लोगों को? तो हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस के अंदर और ऑक्टाहेड्रल केसेस के अंदर कि किस प्रकार से सीएफएससी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्लियर आप लोगों को? इसके लिए भी आप सीएफएससी की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो D1 सिस्टम के लिए, D2 के लिए, D7, D10 तक हर सिस्टम के लिए निकाल सकते हो, लो स्पिन के केस में भी और हाई स्पिन के केस में भी। लो स्पिन कब होगा? जब सर सीएफएससी की वैल्यू ज्यादा होगी। हाई स्पिन कब होगा? जब बेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम हो। क्लियर है? मतलब सीएफएससी की वैल्यू ज्यादा हो, उल्टा तो नहीं बोल गया हूं, सीएफएससी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना लो स्पिन, सीएफएससी की वैल्यू कम होगी तो हाई स्पिन। क्लियर आप लोगों को समझ में आ गई? या मैं कहूं पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है तो लो स्पिन और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है तो हाई स्पिन। क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया यहां तक की बात? नाउ बात कर लेते हैं कि सीएफटी ने क्या क्या बातें एक्सप्लेन की है, जरा देख लीजिए। इसने बेटा हम लोगों को बात की तो वो बात की यहाँ पर नेचर ऑफ सॉरीमेंट की कलर के बारे में बताया, मैग्नेटिज्म के बारे में बताया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड, वीक फील्ड लीजेंड, हाई स्पिन, लो स्पिन, ये सब बातें वीबीटी ने हमारे को सॉरी सीएफटी ने क्या की एक्सप्लेन की, जरा देखते हैं आगे की। सो नेक्स्ट है दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ। डेल्टा ओ जो हमारे पास सीएफएससी की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मींस किस किस सीएफएससी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो बेटा बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल जितनी ज्यादा होगी उसकी सीएफएससी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, और सीएफएससी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ध्यान रखना है इस बात को। एग्जाम्पल देता हूं, दैट इज द Fe(CN)6 4 नेगेटिव एंड Fe(CN)6 3 नेगेटिव, विच वन इज मोर स्टेबल? आप लोग बता दोगे सर, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उसी का स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है? यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की +2 है, यहां पर ऑर्न +3 है, ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी मेरे भाइयों? बताओ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले की ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट है डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। अब नाम से पता चल रहा है किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, बताओ। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सीएफएससी की वैल्यू ज्यादा होगी और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सीएफएससी की वैल्यू ज्यादा होगी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बेटा सीएफएससी की वैल्यू ज्यादा होगी, ये बात हम लोगों को क्लियर है कहां से? इस इक्वेशन से। बोलिए मेरे भाइयों समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ लीजेंड। आप लोगों को पता है नेचर ऑफ लीजेंड, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड होगा सीएफएससी की वैल्यू ज्यादा, अगर वीक फील्ड लीजेंड होगा सीएफएससी की वैल्यू कम। तो ज्यादा स्टेबिलिटी कहां पर होगी मेरे भाइयों बताइए? कहां पर होगी? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड के केस के अंदर ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। बोलिए समझ में आई बेटा? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मेटल आयन। बेटा आप लोगों को पता है हम लोग बात करें ट्रांजिशन सीरीज की तो 3D सीरीज होती है, 4D एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज होती है। तो आप लोग जब नीचे की तरफ चलते हो, मतलब एक कोई भी मेटल है वो 3D की है, एक मेटल है वो हमारे पास 4D की है, एक मेटल है वो 5D ट्रांजिशन सीरीज की है, तो नीचे की तरफ चलेंगे तो बेटा सेंट्रल मेटल अगर बिलोंग करती है 3D सीरीज से, 4D सीरीज से, 5D सीरीज से, तो 5D सीरीज वाली सेंट्रल मेटल की सीएफएससी की वैल्यू बेटा ज्यादा होगी और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और जिसकी सीएफएससी की वैल्यू ज्यादा होती है वो बेटा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं।
क्या बनाते हैं? लॉ स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो मैं आप लोगों से जरा पूछ लूं कि 3D 4D 5D में लॉ स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने के चांसेस किसके ज्यादा है? सर जिसकी सीएफएसी की वैल्यू ज्यादा है, और सीएफएसी की वैल्यू ज्यादा किसकी होगी? नीचे की तरफ चलेंगे तो सर इंक्रीज होगी, तो 5D की सीएफएसी की वैल्यू ज्यादा है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में ना आई हो तो बेटा पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूं। सो प्लीज, ये आपकी सीएफटी थी बेटा जो हम लोगों ने डिस्कस की है। यूनिट के दो टॉपिक बचे हैं, एक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस और दूसरा मेटल कार्बोनिल। दो टॉपिक, दो क्लास क्लियर है, यूनिट खत्म हो जाएगी। आप लोग देख लेना आपको कितना समझ में आया है। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आए तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, पूछिए चीजों को। आप पूछते नहीं हो, क्वेश्चन आंसर पूछिए। ओके, सो आज की क्लास इतनी ही रहेगी। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।